उम्र बढ़ने का असर सबसे ज्यादा आपकी त्वचा, सेहत और क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में शरीर की सेहत संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं। 40 की उम्र पार करने के बाद स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है सेहत के ये 10 टिप्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला है, 40 की उम्र के बाद अक्सर छोटी छोटी बातों का तनाव और चिड़चिड़ापन होता है, साथ ही दिमाग भी कमजोर होता है। इसके लिए योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, संगीत को अपने दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही वो काम करें जिसे करने में आपको आनंद आता है और जिसमें आपका मन लगता है। दूसरा है, बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए भोजन में ऐसी चीजों को ज्यादा शामिल करें जो इन सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। तीसरा है, इस समय आपके शरीर के अंगों यानी 40 की उम्र के बाद आपके शरीर के अंग और मांसपेशियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए खानपान को बैलेंस रखें ताकि आपका लीवर सुरक्षित रहे और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर कर सके। चौथा है, बढ़ती उम्र के अनुसार आप अपने भोजन में ज्यादा तेल और मसालों का सेवन कम कर दें और संतुलित मात्रा में ही इनका प्रयोग करें ताकि आपकी पाचन क्रिया बेहतर रहे और शरीर के अंगों को कार्य करने में ज्यादा मेहनत न करना पड़े। और पांचवा, 40 से अधिक उम्र वालों के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेना बेहद जरूरी है। इसीलिए हरी सब्जियां, वेजिटेबल जूस, सलाद, फल, ग्रीन टी आदि का सेवन जरूर करें। छठा है, ज्यादा गुस्सा और चिंता करने से बचें, साथ ही शारीरिक श्रम भी उतना ही करें जितना आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। ज्यादा परिश्रम करने से भी आपको बचना होगा। सातवा है, साबुत अनाज को अपने भोजन में शामिल करें और फलों का भरपूर सेवन करें। आठवा, भोजन बनाते समय ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड युक्त तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा बादाम, अलसी, तिल के बीज, मूंगफली और अखरोट का प्रयोग करें। इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। नौवा है, बेहतर होगा कि 40 से अधिक उम्र होने पर आप अपनी आदतों और दिनचर्या में बदलाव लाएं। इस अवस्था में आपका शरीर उतना स्वस्थ और ऊर्जावान नहीं होता। अपने खानपान और दिनचर्या में बदलाव कर आप ऊर्जा के साथ ही लंबी उम्र भी पा सकते हैं। और दसवा, घर पर बने पौष्टिक सूप आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। भोजन के बीच में भूख लगने पर आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं।